18वीं सदी के आखिर में दुनिया में एक क्रांति आई थी जिसे लोग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। इस क्रांति ने दुनिया के विकास में एक अहम बदलाव किया। अब औद्योगिक कारखानों में बड़े बड़े कार्य करने के लिए मशीनों का उपयोग किया जाने लगा था, जिसे चलाने के लिए जेम्स वॉट द्वारा बनाया गया भाप का इंजन ही एकमात्र विकल्प था। और शायद आप जानते होंगे कि 30 जनवरी 1736 को जन्मे द ग्रेट जेम्स वॉट को भाप के इंजन के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है। पर हम आपको बता दें कि दुनिया में किसी भी आविष्कार को किसी एक व्यक्ति की खोज कहना शायद गलत होगा, क्योंकि दुनिया में जितने भी अहम आविष्कार हुए हैं उसके पीछे बहुत से वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स ने अलग अलग समय में अपना योगदान दिया था। आपको बता दें कि इंजन के आविष्कार का इतिहास भी बहुत ही लंबा रहा है। आम तौर पर जिन वैज्ञानिकों ने इंजन के आविष्कार में अपना अहम योगदान दिया वो हैं हिरोन ऑफ अलेक्जेंड्रिया, थॉमस न्यूकमन, जेम्स वॉट। प्रथम प्रयास। अगर इतिहास के सबसे पहले भाप के इंजन की बात की जाए तो उसे पहली सदी में बना लिया गया था, जिसे यूनान के रहने वाले एक इंजीनियर और मैथमेटिशियन हिरोन ऑफ अलेक्जेंड्रिया ने बनाया था, जिसका नाम उन्होंने एईओ लिपेल रखा था, जिसे बाद में लोगों ने हिरोन इंजन नाम दिया। वास्तव में एक स्टीम टर्बाइन थी ये, जो कंटेनर में रखे पानी के गर्म होने पर चलती थी। बता दें कि इसके इस आविष्कार में एक गेंदनुमा बड़े कंटेनर में पानी भर दिया जाता था, जिसमें दो तरफ से नोजल लगाए गए थे और फिर पानी से भरे गोल कंटेनर को पाइवट के जरिए टांग दिया जाता था और फिर पानी को गर्म किया जाता था। भाप बनने पर वो तेजी से इस नोजल के जरिए बाहर निकलती और गेंदनुमा टर्बाइन को घुमा देती थी। इनके इस आविष्कार को आज भले ही एक मामूली आविष्कार समझा जाए, पर आज से 2000 साल पहले किसी इंसान द्वारा इसकी कल्पना करना भी आसान नहीं था। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि जब इस मशीन में पानी भरकर गर्म किया जाता है तो भाप बनने पर कैसे टॉर्क प्रोड्यूस होता है। आपको बता दें कि हिरोन ऑफ अलेक्जेंड्रिया ने अपनी इस इंजन का प्रयोग यूनान के एक मंदिर में किया, जिसे वो मंदिर के दरवाजे को खोला और बंद किया करते थे। हालांकि इनके इस इंजन को चलाने के लिए बहुत ही ज्यादा ईंधन की जरूरत पड़ी थी। हिरोन ऑफ अलेक्जेंड्रिया ने कई आविष्कार भी किए थे। उन्होंने पिस्टन और पंप के बारे में अपनी किताब में बहुत पहले ही वर्णन कर दिया था। दूसरा प्रयास। समय समय पर कई वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स ने भाप की शक्ति और भाप के इंजन के बारे में अपनी अपनी किताबों में उल्लेख किया था, जिनमें से एक लियोनार्डो दा विंची भी थे, जो कि एक महान चित्रकार और आविष्कारक थे। उन्होंने 15वीं सदी में अपनी एक पेंटिंग और लेख के जरिए दुनिया को भाप की ताकत और भाप यंत्र के बारे में बताया था। उन्होंने एक भाप से चलने वाली तोप का डिजाइन भी बनाया था। 15वीं सदी में इजिप्ट के ही एक महान फिलोसोफर, एस्ट्रोनोमर और इंजीनियर ताकी अल्डिन, जिन्होंने सन 1551 में भाप के इंजन का एक डिजाइन बनाया था, जिसमें एक बड़े चक्के को भाप के जरिए घुमाया जाता था। आप वीडियो में देख सकते हैं, पिस्टन को रॉड के जरिए व्हील से जोड़ा गया है और फिर भाप के दबाव से पिस्टन मूव करता है, जो कि चक्के घुमा देता है। सन 1648 में जॉन विकिंस नामक एक इंजीनियर ने ताकि अल्डिन की थ्योरी पर काम करते हुए एक स्टीम टरबाइन का निर्माण किया था। तीसरा प्रयास। सन 1664 में जन्मे ब्रिटिश इंजीनियर थॉमस न्यूकमन को दुनिया का पहला प्रैक्टिकल फ्यूल बर्निंग इंजन बनाने का श्रेय दिया जाता है। आपको बता दें कि थॉमस न्यूकमन ने सन 1712 में एक एटमॉस्फेरिक इंजन का आविष्कार किया था, जिसे आम भाषा में न्यूकमन इंजन कहा जाता है। उनका ये इंजन एटमॉस्फेरिक प्रेशर और स्टीम प्रेशर में हुए अंतर की वजह से बने वैक्यूम पर आधारित था। 18वीं सदी की शुरुआत में पूरे यूरोप में खदानों में पानी भर जाने की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता था। इस समस्या से निजात पाने के लिए न्यूकमन ने इस इंजन का आविष्कार किया था। इस आविष्कार के बाद पूरे इंग्लैंड और पूरे यूरोप में इनके बनाए हुए इस इंजन को खदानों में से पानी निकालने के लिए प्रयोग किया जाने लगा। आप जो स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं वो न्यूकमन के बनाए हुए इंजन का एनिमेटेड पार्ट है। आप देख सकते हैं कि नीचे भट्टी है जो बॉयलर में रखे पानी को गर्म करके ढेरों मात्रा में भाप पैदा करती है, जो स्टीम इनलेट के वॉल्व के खुलते ही सीधे कंडेंसिंग सिलेंडर में चली जाती है और इस स्टीम प्रेशर से पिस्टन ऊपर की तरफ चला जाता है और फिर अचानक वॉल्व बंद करके ठंडा पानी कंडेंसिंग सिलेंडर में छोड़ दिया जाता है, जो कि भाप को तेजी से ठंडा करके पानी में बदल देती है और इस प्रक्रिया से सिलेंडर में वैक्यूम क्रिएट होता है, जिससे पिस्टन तेजी से नीचे की तरफ आ जाता है। या यूं समझिए कि जब भाप का दबाव कम होता है तब एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे पिस्टन नीचे की ओर चला जाता है और ये प्रक्रिया बार बार होती रहती है। अब कई लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि कंडेंसिंग सिलेंडर में इतनी ज्यादा भाप थी तो फिर पानी डालने से अचानक भाप इतने कम पानी में कैसे बदल गई? तो आपको बता दें कि 1 लीटर पानी का जब भाप बनता है तो 1700 लीटर पानी की जगह के बराबर हो जाता है।
न्यूकोमेन के इस इंजन से खदानों को तो काम में लिया जाने लगा, मगर उनके इस इंजन की गति बहुत ही कम थी और साथ ही इसको प्रयोग में लाने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में ईंधन खर्च होता था। पर जो भी हो, वास्तव में ये दुनिया का पहला भाप इंजन था। चौथा प्रयास, जेम्स वॉट, जिन्हें भाप के इंजन का असल आविष्कारक माना जाता है। जेम्स वॉट का जन्म 19 जनवरी 1736 को स्कॉटलैंड में हुआ था। उनके पिता शहर के एक मशहूर व्यक्ति और जलपोत निर्माता थे। जेम्स बचपन से ही अपने पिता के साथ कारखाने में जाते थे और छोटे बड़े मशीन के सामानों को बनाने में दिलचस्पी लेने लगे थे। सर्दी की एक रात उन्होंने देखा कि जिस केतली में चाय उबलने के लिए रखी थी, उसका ढक्कन भाप की वजह से बार बार ऊपर की तरफ उठ रहा था। उन्होंने ढक्कन के ऊपर एक हल्का सा सामान रख दिया, फिर भी भाप के दबाव से ढक्कन उठने लगा। उस दिन उन्होंने भाप की शक्ति को पहचाना और उसका उपयोग करने की योजना बनाई। 1753 में उनके माता की अचानक मृत्यु और पिता के कारोबार में घाटे ने उन्हें कम उम्र में काम करने पर मजबूर कर दिया। बाद में वो घड़ी निर्माता के यहाँ काम करने लगे थे। 1757 में उन्होंने अपना एक छोटा सा वर्कशॉप भी खोल लिया था, जहाँ वो मशीनरी उपकरणों को ठीक करने लगे थे। 1763 में उनके वर्कशॉप में न्यूकोमेन का बनाया हुआ एक भाप इंजन ठीक होने के लिए आया। जेम्स वॉट को बचपन से ही भाप की शक्ति का आभास था। उन्होंने इस इंजन पर कई दिनों तक परीक्षण किया और इसमें कई गलतियां पाईं। इस इंजन में सिर्फ एक ही सिलेंडर था, जिससे भाप नीचे पानी के कंटेनर में आ जाती थी, जो इंजन के गति को कम भी करती थी। जेम्स वॉट ने भाप को इकट्ठा करने के लिए इसमें एक और कंडेंसर लगा दिया और पिस्टन की पैकिंग को मजबूत करने के लिए एक वायु पंप लगा दिया और घर्षण रोकने के लिए ऑयल का प्रयोग किया और भी कई छोटे मोटे बदलाव किए, जिस वजह से जो ऊर्जा व्यर्थ हो रही थी वो रुक गई और इसकी गति में तेजी आ गई। इस तरह उन्होंने 1776 में एक सफल भाप का इंजन बनाया। भले ही उन्होंने न्यूकोमेन के बनाए गए इंजन में सुधार किया था, पर आधिकारिक तौर पर जेम्स वॉट को ही भाप के इंजन का आविष्कारक माना जाता है। समय समय पर उन्होंने अपने इस इंजन में कई बदलाव करके इसमें काफी सुधार लाया था। इस आविष्कार की बदौलत उन्होंने काफी दौलत और शोहरत भी कमाई थी। फिर 25 अगस्त 1819 को इंग्लैंड में उनका देहांत हो गया। पांचवा प्रयास, रुडोल्फ डीजल। अभी तक हमने जितने भी आविष्कारों के बारे में इस वीडियो में जिक्र किया, उन सब इंजनों का प्रयोग आज के समय में लगभग पूरी तरह से बंद हो चुका है। पर 1858 में जन्मे रुडोल्फ डीजल ने 1897 में डीजल इंजन बनाकर एक कीर्तिमान रच दिया था। उनके बनाए हुए इंजन का प्रयोग आज भी पूरी दुनिया में किया जाता है। उन्होंने 1897 में 25 हॉर्स पावर के 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर डीजल इंजन बनाया था, जो कि पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया।